नमस्कार। हरियाणा न्यूज के चुनावी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। चुनाव हरियाणा का है और हरियाणा न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से इस पूरे चुनाव के हर पल का हाल बता रहा है। जैसे जैसे 5 अक्टूबर करीब आ रही है, नेताओं की हार्ट बीट बढ़ रही है, वोटर्स इस कंफ्यूजन को दूर करने में बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं कि आखिर अब की बार किसकी सरकार 8 अक्टूबर को हरियाणा में बनने जा रही है, और तमाम नेता प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये दावा कर रही है कि हम 8 अक्टूबर को सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुत ही भारी बहुमत के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस पार्टी की आंधी है जिसे कोई रोक नहीं सकता है। क्या वाकई वो आंधी है? इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम झज्जर में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, अब चुनाव में झज्जर से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता भुक्कल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत गीता जी हरियाणा। धन्यवाद जी। इस चुनावी स्टूडियो में हम जा रहे हैं अलग अलग हलकों में, तमाम बड़े नेताओं से इंटरव्यूज के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं चुनावों पर। आपकी पार्टी तैयार है? हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारी पार्टी तो लगातार चुनाव तो अब आए हैं, उससे पहले भी अच्छे ढंग से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, सबके बीच में जा रही थी, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो, हमारी परिवर्तन यात्राएं लगातार, हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे और कांग्रेस पार्टी चुनावों में पूरी तरह से तैयारी के साथ उतर रही है। चुनावों की तैयारी में है या फिर सीधा सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं? सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब चुनाव का कोई, देखिए चुनावों की हम लोग जनता जनार्दन जो है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो है मतदाता होता है, उसका मत होता है, और लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने मन बनाया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो जनता कह रही है जी 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 जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो वही मैं भी कह रही हूँ कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सभी ने संघर्ष किया, लोगों की आवाज़ उठाई, तो जनता ने मन बनाया है लोकतंत्र में, और जनता ही महान होती है। जब वो कह रहे हैं, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, और जिस प्रकार से रुझान सामने आ रहे हैं, लोकसभा के दौरान जब चुनाव हुए, हरियाणा में 47.6 पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट हमें मिला, और जो ये 10 साल का राज रहा बीजेपी का और पिछला 5 साल बीजेपी और जेजेपी का टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट रहा, इसमें बीजेपी और जेजेपी के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, और हालत यहाँ तक हुई कि चुनाव आते आते इनको अपना मुख्यमंत्री हटाना पड़ा, इनको अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर हटाना पड़ा, इनको अपना मंत्रिमंडल बदलना पड़ा, फिर इनको जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए थे उसकी सीट बदलनी पड़ी, अब जो लिस्ट आई उसमें मंत्रियों के टिकट काट दिए गए। इसका मतलब ये तो हार मार कर बैठे हैं, और हम समझते थे कि हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, हम बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा के जो मुद्दे हैं, विशेष तौर से जो हमारा युवा है बेरोजगारी की मार झेल रहा है, धक्के खा रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, ड्रग्स में जा रहा है, सबसे पहले उसको समाधान चाहिए। उसको हरियाणा कौशल निगम की कच्ची नौकरी नहीं चाहिए, सक्षम की कच्ची नौकरी नहीं चाहिए, देश की सेवा करना चाहता है, सेना में जाना चाहता है, अग्निवीर की कच्ची नौकरी नहीं चाहिए। तो ये सब मुद्दे किसान अन्नदाता करके हम तमाम मुद्दों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस तैयार है? तैयार है, सरकार बनाएंगे सीधा। देखिए वो तो देखिए कांग्रेस तैयार है, चुनावी मैदान में हम लोग तैयारी के साथ उतर रहे हैं। जनता लोकतंत्र में लोगों का महत्व है, और उन्होंने इस पर मन बना रखा है। वो कह रहे हैं लीडर ठीक रही जाए, जनता ने तो मन बना लिया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, हम लोग सब मिलकर चुनावी समर में जो है पूरी तरह से उठ रहे हैं। बीजेपी में हालत ये है कि अपने नेताओं को तो पूछ नहीं रहे हैं, कविता जैन जी की क्या हालत हो गई, यहाँ रंजीत चौटाला जी, छोड़ मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बीजेपी के नेताओं में भागदौड़ मची हुई है। पावरिया साहब इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ गया, अब इतनी ज्यादा परेशानी उनको, क्या टिकटों का प्रेशर ज्यादा हो गया या हरियाणा वालों ने इतना परेशान कर दिया नेताओं ने? नहीं नहीं, देखिए हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है दीपक बावरिया जी, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रयास भी किया, और क्योंकि उनको इस तरह से कुछ ना कुछ परेशानी पहले से भी हमेशा से रही है, जब मध्य प्रदेश में थे या वैसे भी कुछ ना कुछ रही है। हरियाणा के नेताओं ने नहीं किया है? नहीं, हमने नहीं किया है, किसी नेता ने नहीं किया है, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होकर जो है ठीक होकर आ जाएं, क्योंकि ये चयन की टिकटों में चयन की प्रक्रिया, फिर कुछ घोषणा पत्र का इशू है, कुछ और इशूज़ हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा हुआ है, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। घोषणा पत्र का आपने जिक्र किया, अब मैनिफेस्टो, आखिर किस तरीके का मैनिफेस्टो बनाने की प्लानिंग गीता भुक्कल ने की है और कब मैनिफेस्टो लेकर आएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए आपने लिखा चुनाव हरियाणा का, तो घोषणा पत्र हरियाणा का ऐसा आएगा कि जनता देखेगी। हम लोगों ने लगातार कम से कम 17-18 सब कमेटी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लिस्ट जारी की, उसके बाद हमने 17-18
कमेटीज बनाई, उसमें 20-25 मेंबर रखे और हमने न्याय चौपालें करने का काम किया। व्यापारियों की न्याय चौपाल, नारी न्याय चौपाल, किसानों की न्याय चौपाल, एससीज की न्याय चौपाल, बीसीज की न्याय चौपाल, युवाओं की न्याय चौपाल, बहन बेटियों की, दलितों की, गरीबों की, मजदूरों की, झुग्गी झोंपड़ी वालों की, पाल गडरिए बाजीगर सबसे हमने बातचीत करके उनसे हमने ज्ञापन लेने का काम किया और किसान संगठनों ने ज्ञापन देने का काम किया। उनसे बातचीत करने के बाद, जनता से बातचीत करने के बाद जनता का डॉक्यूमेंट हमने ड्राफ्ट किया है और बहुत मेहनत इसमें हमने की है। और हमने ये नहीं कि हमें लग रहा है कि भी सरकार आ रही है, हम केवल वही वायदे करेंगे जो हम पूरा कर पाएं। बीजेपी की तरह हमारा पत्र जो है वो जुमलाबाजी वाला पत्र नहीं रहेगा, एक एक वादा पूरा करेंगे। देखिए, जो हम वायदे हमारे घोषणा पत्र में कर रहे हैं, हर वायदा और उस वायदे से भी ज्यादा बढ़कर कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी उसमें काम करने का काम करेंगे। अभी जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं कि आप लोगों पे हमेशा बीजेपी ने आरोप लगाया कि खर्ची पर्ची की सरकार थी, हुड्डा सरकार, पैसे लेते थे नौकरी देते थे। हमने पारदर्शिता पे नौकरी दी, ना पैसे लिए, ना खर्ची लगी, ना पर्ची लगी, काबिलियत पे नौकरी हम लोगों ने दी। इसको लेकर जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो क्या फीडबैक मिल रहा है? लोग परेशान थे क्या कांग्रेस की सरकार से? देखिए, पर्ची खर्ची और अटैची के साथ एचपीएससी के दफ्तर में इनके जो हैं अधिकारी पाए गए हैं, एचकेआरएम में इनके आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उनको जेल तक हुई है। पता नहीं किस तरह से पर्ची खर्ची, हम सीएम साहब के खिलाफ इतना कुछ दिखा दें क्या? पिछली सरकार के दौरान कितने मेंबर्स के खिलाफ, हम तो शोर नहीं करते। हम ये चाहते हैं हमारे युवाओं के साथ धोखा ना हो, उनको पक्की नौकरी दी जाए, उनको कौशल निगम के तहत उनके साथ अन्याय ना किया जाए। ये अन्याय ना किया जाए कि पढ़ा लिखा युवा डंकी के माध्यम से दूसरे देशों में जा रहे हैं, जहाँ खाड़ी में युद्ध हो रहे हैं वहाँ पर उनको एचकेआरएम के तहत भेज रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? आप युवाओं को पक्की नौकरी क्यों नहीं दे सकते? क्यों आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू नौकरी नहीं देते? क्यों आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू नौकरी नहीं देते? आपको अच्छे ढंग से नौकरी देनी चाहिए युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र में हम वायदा करते हैं, हम भर्ती विधान, हम रेगुलर एक कैलेंडर जारी करेंगे कि आज डेट ऑफ नोटिफिकेशन, फिर इस दिन इंटरव्यू, इस दिन रिजल्ट। हम लोग युवाओं को पक्की नौकरी देने का वायदा करते हैं। और जो हमने अपना घोषणा पत्र ड्राफ्ट किया है, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, परसों ही हमारी कमेटी की और हमारी जो है उनसे हमने ड्राफ्ट एक उनको सौंपने का काम किया है। गड्ढे भी हैं आपके, गड्ढों में तो एक बार मैंने कह दिया था कि सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों के बीच में कैमरा लगाकर सड़कें ढूंढनी पड़ रही हैं। आप देख लो कैसे डोल रही है। हम लोग जो है कैमरा लगाकर ढूंढ रहे हैं। और आप ये बीजेपी वाले आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, बीजेपी के नगर परिषद के चेयरमैन यहाँ से, बीजेपी के सांसद यहाँ से रहे हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार। इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ किया, हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। इसीलिए जनता ने मन बनाया है, कार्यकर्ता भी पूरे अति उत्साहित हैं जी। हम लोग पूरा डोर टू डोर करके आए हैं, सभी यही कह रहे थे ये गंदगी के ढेर देखो जी। नामांकन के दौरान बीच में खागड़ घुस गया, कईयों को घायल कर दिया, कितने एक्सीडेंट हो गए, कूड़े के ढेर लगे हुए, बदबू अलग आ रही है, बीमारियां अलग। अम्बेडकर चौक तो बाद में दिखा मुझे, इतने सारे सांड और गाय, कम से कम दर्जन भर से ऊपर होंगे। आप दर्जनों लाइन लगी हुई रात को, इतना टेंशन। देखिए, हमने आपको याद होगा प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे, 1.5 घंटा तो उस पर डिस्कशन हुई थी। जो हमारा बेसहारा पशु है, जो गौधन है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, ये भी हमारा घोषणा पत्र का एक हिस्सा रहेगा। तो बीजेपी ने तो गाय की हम बात करें उनके लिए मॉब लिंचिंग, पीजी देखिए, गौधन की रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई है। गौधन की रक्षा करना हमारा फर्ज है, उसकी हम रक्षा करेंगे, उनको पर्याप्त। अब जैसे कूड़े के ढेर हैं, बायो वेस्ट है, वो हमारा बेसहारा पशु है, वो खा रहे हैं, बंदरों की वजह से कितने सारे एक्सीडेंट्स हो गए। हम ये इंश्योर करेंगे जो ये लोग टेंडर करते हैं, जो ये घपले हैं, जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के सरकार में हुआ है और बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के यहाँ के नेताओं के संरक्षण में सारा का सारा भ्रष्टाचार हुआ है, एक एक की लिस्ट है। भ्रष्टाचार ऊपर तक हुआ है, आप मानती हैं? भ्रष्टाचार तो नीचे से लेकर ऊपर तक चरम सीमा पर हुआ है, चरम सीमा पर। हमने जब कहा तो मानते नहीं है, उनके नहीं। मानने का क्या है, हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। आपकी सरकार आएगी, एक्शन लेंगे? बिल्कुल, हमारा तो बस चले, हम तो अभी कार्रवाई बिठा दें उन पर। हम नगर परिषद की मीटिंग में जाते हैं, हमने पूछा कि ये इतने सारे आवारा पशु घूम रहे हैं, तो हमने जब उनसे बात कही, करीजिए टेंडर उठा रखे तो वो गए कहाँ? पशुओं को तो ऐसे लग रहा है दूसरे राज्यों से भी लाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। मैं बता रही हूँ, अभी इस हफ्ते के अंदर कम से कम 10 डेथ
हो चुके हैं जिनमें मैं स्वयं गई हूँ और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे झेझर के पार्कों पर बीजेपी के नेताओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। हमारे पंडित श्रीराम पार्क था, उस पर बीजेपी के नेताओं ने कब्जा शुरू कर दिया। वो तो हमने धरना प्रदर्शन शोर किया तो उसके बाद निपटे। तो देखिए चुनाव हरियाणा का, चुनाव हरियाणा में तमाम मुद्दे आएंगे। युवाओं का मुद्दा आएगा, किसानों का मुद्दा आएगा। किसान 750 किसान जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। बहन बेटियों, कांग्रेस ही प्रायोजित किसानों का आंदोलन था और इसमें किसान नहीं थे, जितने भी नेता थे ना ये कांग्रेस। देखिए ऐसा है जी, देखिए ऐसा है, बीजेपी कभी जो आंदोलन करते हैं उनको आंदोलनजीवी कहती है, कभी इनको उग्रवादी कहती है। एक अन्नदाता को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बीजेपी को सोच समझ के करना चाहिए। वोट के दौरान, वोट की चोट से जनता इसका जवाब देने का काम करेगी। किसान हितैषी हैं, हमने सारी फसलें एमएसपी पे खरीदने की बात करी। क्या किसान हितैषी हैं? इनके जेपी दलाल कृषि मंत्री थे, कह रहे इस तरह तो दुनिया रोज मरती है और उन्होंने खिल्ली उड़ाई और लोग देखना चुनाव में क्या करेंगे उनका हश्र। बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए आप बड़े बड़े वायदे करते हैं, सारी सड़कों पर, दुकानों पर, बसों के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख दिया, उसकी एडवोकेसी करती हैं। जो बेटियां न्याय की गुहार लगा रही थी, आप बीजेपी वालों के साथ खड़े हुए नजर आए। हमारी खेल के मैदान में हमारी बेटी विनेश फोगाट, जब आप ये बताएं, जब वो ओलंपिक में मेडल लेने गई और जब उसका मेडल नहीं आया, सारी दुनिया सड़कों पर उतर के आई कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्या तकलीफ थी बीजेपी वालों ने उसको क्यों नहीं रिसीव किया, क्यों नहीं कहा कि आपको बेटी मेडल मिलना चाहिए था, आपके साथ अन्याय हुआ है, क्यों केंद्र की सरकार ने कोई अपील नहीं की, क्यों उन्होंने इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जब वो जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रहे थे। हमने तो घोषणा कर तो दी, जितने बेनिफिट से एक विनिंग खिलाड़ी को दिए जाते हैं। देखिए क्या घोषणा, जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सब लोग जंतर मंतर पर बैठे थे कि उनके एक सांसद यौन शोषण जैसा अपराध जिसके खिलाफ कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए, संदीप सिंह के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए, और ये लोग कह रहे हम अपने मंत्रियों को नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। तो बीजेपी के लोगों के तो हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। बार बार विनेश फोगाट का जैसे आपने जिक्र किया, बजरंग पुनिया का किया, साक्षी मलिक का किया, इन तीनों को लेकर अब बीजेपी का ये एजेंडा चलता है और ये कहा जाता है कि ये जो पूरा का पूरा ये भी प्रदर्शन था, ये भी कांग्रेस फंडेड, कांग्रेस सपोर्टेड। देखिए कांग्रेस कितनी मजबूत है, सब कुछ करवा लेती है, बीजेपी की सरकार है केंद्र में फिर भी फेल है, कुछ भी नहीं करवा सकती। हम लोग तो साथ हैं बहन बेटियों के, किसानों के, व्यापारियों के, गरीबों के, दलितों के, महिलाओं के, कर्मचारियों के, युवाओं के, जिनको बेचारों को इतने पढ़े लिखे युवा हैं, एक चपरासी की नौकरी पर 60,000 एप्लीकेशन आती है। हमने उन युवाओं को रोकते हुए देखा है जो हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के तहत लगे हैं, हमें CLPOs लगाए हैं इन्होंने क्रेडिट के माध्यम से। बच्चे कह रहे हैं हमें 6,000 महीने का दे रहे हैं, 4-4 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये हालात बना दिए इन्होंने प्रदेश की, चिकित्सा की बुरी हालत, शिक्षा की बुरी हालत, खेलों की बुरी हालत, 5,000 स्कूल बंद कर दिए, 46,000 टीचर्स की भर्तियाँ, 2,000 खाली नौकरियां पड़ी हैं। क्या तकलीफ है, भरते क्यों नहीं है ये, क्यों युवाओं को नौकरी नहीं देते हैं? आज के समय में हम उड़ता हुआ पंजाब की बात करते थे प्रतिमा जी, आज हरियाणा के हमारा युवा बुरी तरह से नशे की चपेट में आ गया क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, इसीलिए वो बेचारे। तो नशे के लिए बार बार ये कह देना कि पंजाब से आ रहा है, ये क्या? नहीं नहीं, पंजाब से आगे नहीं, पहले पंजाब नशे में बहुत ज्यादा आगे था, अब हरियाणा में भी नशा जो है पूरी तरह से हावी हो गया। क्योंकि क्यों हावी हुआ, देखिए आया, देखिए बच्चे जो है उनको पढ़ा लिखा युवा जो है, या कोई कम पढ़ा लिखा भी जो अपने सेल्फ कोई रोजगार करना चाहते थे, लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति है। यहाँ से फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो है सारी की सारी पलायन कर गई, और जब वो पलायन कर गई युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवा धक्के खा रहा है, या तो वो क्राइम की ओर बढ़ रहा है या वो नशे की ओर बढ़ रहा है। तो क्राइम NCRB के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है, और खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने आंकड़े बताए, हरियाणा असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आ चुका है। NCRB के आंकड़े बताते हैं क्राइम इन जनरल और क्राइम अगेंस्ट इन पर्टिकुलर, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध हरियाणा में बहुत ही एक चिंता का विषय है। इसलिए जब हमारी सरकार बनेगी, जो पुलिस थाने हैं, पुलिस, मुझे पुलिस थानों की कुछ कर्मचारी मिली, उन्होंने महिला थाने खोले, हमने महिला थाने खोले, मुझे पुलिस कर्मचारी मिली थी कि बहन जी हमें तो डंडा भी नहीं दे रखा इन्होंने। अच्छा। वो खुद रो रही है, उन्हीं को एम्पावर नहीं कर रखा। हम लोग आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, महिला न्याय थाने और वर्मा कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने का। ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सरकार आएगी, आप कहेंगे कि 10 साल की बीजेपी की सरकार के गड्ढे हैं, भरने में हमें बहुत समय लग रहा है। ऐसा कौन सा जादू की छड़ी आप लोग घुमा देंगे कि परेशानियां इतनी सारी जो आप गिनवा रहे हैं उनको ना सिर्फ ठीक करेंगे बल्कि तरक्की की तरफ हरियाणा को लेकर। सबसे पहले तो जो इन्होंने ई टेंडरिंग और दूसरी टेंडरिंग के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, सबसे पहले तो उनकी जांच करवाएंगे। और फिर भ्रष्टाचार होता है क्या? बहुत भ्रष्टाचार हुआ। और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं, देखिए जी, दूसरी जांच सबसे बड़ी जो करवाएंगे
मैं कह रही हूँ, हो सकता है पार्टी का स्टैंड है कि नहीं है, हमारा स्टैंड है। बीजेपी के दफ्तर करोड़ों रुपए से जो बने हैं एसी दफ्तर, 5 स्टार 7 स्टार, कांग्रेस की सरकार बनेगी सबसे पहली बड़ी जांच हर एक बीजेपी का दफ्तर जिले से लेकर जहां पर जो बनाया है उसमें कई 100 करोड़ रुपया लगा है। कहां से पैसा आया? टिकटें जो है पैसों में बिकी है, नगर परिषद की टिकट पैसों में। आप समझ ले, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। सबसे पहले जब भ्रष्टाचार की जांच होगी तो अपने आप, और ये गड्ढे तो देखिए, सरकार तो बनने दो, ऐसे स्मूथ हमारी फंक्शनिंग होगी। देखिए, बहुत अनुभव आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा है, 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, सारी की सारी समस्याओं से हम अवगत हैं। विधानसभा के अंदर और बाहर तक हम इसकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, हमें मालूम है कि क्या क्या समस्याएं हैं। ये तो जनता के बीच में जाते ही नहीं है, इनका बस चले तो वोट भी ऑनलाइन मांग ले। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी आईडी से परेशानी है, मान लीजिए परिवार पहचान पत्र से कोई परेशानी है, मान लीजिए मेरी फसल बेरा ब्यौरा से किसानों को परेशानी है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, इनकी सेहत पर किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। टीचर्स नहीं है इंस्टीट्यूट्स में तो डाइट बंद कर दिए, जेबीटी भर्ती नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर झज्जर में प्रारंभ इंस्टीट्यूट था, फर्स्ट इंस्टीट्यूट आया था कंट्री में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था हमने बीए बीकॉम बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स। एनईपी तो बाद में आई है, 2013 में हमने वो स्टार्ट करवाया, 17 करोड़ का बजट हम छोड़ कर गए थे। इतनी बेकार सरकार है, 10-15-20 बार मैंने विधानसभा में और विधानसभा के बाहर उठाया, बिल्डिंग तक नहीं बना कर दी इन्होंने, और साइंस की क्लासेस नहीं लगेंगी क्योंकि टीचर्स नहीं है। तो टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, इनके आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। होम मिनिस्टर को हटा दिया, कोई कह रहा चीफ मिनिस्टर दोषी है, कोई होम मिनिस्टर दोषी है, कोई कह रहा पीडब्ल्यूडी वाले, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए सरकार का समय समाप्त हुआ। आचार संहिता लग गई। लोगों के आगे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, प्रदेश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दबाइए, कांग्रेस का साथ दीजिए और हम लोग एक बहुत ही अच्छी सरकार देने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला कह रहे पिछली बार भी किंग मेकर रहा, अब फिर से मैं किंग मेकर रहूंगा। आपको लगता है कि हरियाणा वाले ऐसा कोई चांस लेने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं? क्या किंग मेकर रहे और उनका तख्ता कैसे पलटा? मिलकर मनोहर लाल खट्टर जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, इनकी सरकार ने मिलकर जो करप्शन किया, मिलकर जो लोगों को परेशान किया, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। दादा गौतम की खोपड़ी, सारा महकमे जिम गया, हमने तो नहीं कहा। इनके विधायक जो लगातार जजपा के एक भी विधायक बता दे, हम तो सोच रहे थे शायद अनूप धानक जी उनके साथ रहेंगे, वो भी चले गए, ईश्वर जी चले गए, इनका एक भी, आप समझ लीजिए माँ बेटा और वो ढांडा साहब भी नहीं। अब माँ बेटा, माँ ने भी हथियार डाल दिए कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगी, माँ बेटे की पार्टी वो भी हथियार डाल गई। देखिए, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना, हमें ये पता है कांग्रेस ने जो संघर्ष किया, कांग्रेस ने जो काम किया, कांग्रेस ने जो योजनाएं चलाई, इन्होंने आती वो बंद की, चाहे वो गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की बात थी, अच्छी पेयजल योजना के तहत हमने तो रजिस्ट्री कराई, क्या रजिस्ट्री करवाई कार्यक्रम अलग, आप 10 साल की प्रोसीडिंग्स निकलवा लें कांग्रेस के हर व्यक्ति ने। मैंने ही बीसियों बार कहा कि गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दें, उनको मकान दें, इन्होंने खिल्ली उड़ाने का काम किया। ये तो जब इनको लोकसभा में थोड़ा सा, लोकसभा में जब जनता ने इनको आईना दिखाया तो उसके बाद निकल कर आए हैं, इन्होंने तो कभी 100-100 गज का नाम ही नहीं लिया। ये बार बार लोकसभा का जिक्र आपने किया तो एक सवाल जहन में था जो पूछना चाह रही थी, वो पूछ ही लेते हैं। बार बार कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला, ये खटाखट 85-100 झूठ बोल के 5 सीटें ले गए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए कांग्रेस पार्टी अब देखने को भी नहीं मिलेगी 8 अक्टूबर को। ऐसा है, हमने क्या कहा था, कांग्रेस की सरकार बनेगी, खटाखट महिलाओं के खाते में 8500 आएंगे, और कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अब बीजेपी से पूछें उनके घोषणा पर, मैं फिर कह रही हूँ हमारी सरकार बनेगी, जो भी वायदा हमने किया है कांग्रेस पार्टी की सरकार हर उस वायदे को और वायदे से भी ज्यादा बढ़कर काम करने का काम करेगी। बीजेपी से पूछें, आपका पिछला घोषणा पत्र आपने क्या खोलकर देखा? जेजेपी और बीजेपी के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक कमेटी बनी थी अनिल विज जी की अध्यक्षता में, अनिल विज को ही हटा दिया, कोई मीटिंग ही नहीं हुई, घोषणा पत्र ही नहीं खोला। हम इंतजार कर रहे थे कब हमारे यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज आएगा, कब हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी आएगी, कब एम्स के साथ जो 10 इंस्टीट्यूट्स आए थे वो आएंगे, कब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टाफ मिलेगा, कब हमारे स्कूलों में स्टाफ मिलेगा, कब हमारे पार्कों की बद से बदतर हालत में कोई सुधार होगा। इन्होंने किया ही कुछ नहीं, क्या काट की आंडी, हमने जो वायदा किया है, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और सबके बीच में जाने के बाद जो न्याय पत्र दिया, जो कांग्रेस का वायदा है
सरकार बनेगी, हर वो वायदा पूरा होगा। बीजेपी की तरह जुमलेबाजी नहीं होगी। बीजेपी वाले तो कह रहे थे 15 लाख रुपए हर खाते में आएगा, किसी एक के खाते में आया हो, किसी एक के खाते में 15 लाख रुपए आया हो, काला धन आया हो कहीं से। किसानों के साथ कहा था कि 2024 तक 22 तक जो है हम लोग हर घर पे छत देने का काम करेंगे, छतों को इनको उन्होंने उजाड़ने का काम किया। कोविड में भ्रष्टाचार हुआ, हर नल में जल टेल तक पानी पहुंचाया हमने, हर घर में बिजली 24 घंटे, गांव गांव तक। अब हमारे घर में भी नहीं आती, किस घर में पहुंचा दिया गिनवा दें, बिजली नहीं आती, पानी नहीं आ रही है बिजली 24 घंटे। शहर में पूछ लीजिए कितने बड़े बड़े कट है। मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में झाड़ली थर्मल पावर प्लांट है, CLP थर्मल पावर प्लांट है, एक उसकी यूनिट बंद कर दी। महंगी बिजली अपने दोस्तों से खरीदते हैं, लोगों तक देते नहीं है। बड़े बड़े कट है, केवल 8 घंटे की बिजली आती है। हमारे टाइम में हमने 4 थर्मल पावर प्लांट्स लगाए थे, एक हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट जो है वो स्टार्ट होना था फतेहाबाद का, इन्होंने क्या किया, बंद करने का काम कर दिया। बल्कि उन प्लांट की वजह से, जो सीपेज की वजह से हमारे खानपुर कुर्द है, गोरिया है, उन गांवों की जो जमीन खराब हो रही थी, जब हमने उसका मामला उठाया तो सेटिंग कर ली, कह दिया कि IIT रुड़की ने कहा है कि ये सीपेज प्लांट की वजह से नहीं है। तो आप हालात देख लें, 1 घंटे की बारिश में सारा शहर, सारे गांव जलमग्न हो जाते हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल करते रहते हैं, उनको लगातार जो है तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हमारी सरकार बनेगी, हमारा वायदा है, हम सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे और आगे से सफाई कर्मचारियों की एकमुश्त पक्की भर्ती करने का काम करेंगे। और हमारा एक और वायदा है, जो हमारी वृद्धावस्था सम्मान योजना है, 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को, 6,000 बुढ़ापा पेंशन विधवा बहनों को, 6,000 बुढ़ापा पेंशन विकलांगों को, 300 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त में देंगे। और सबसे बड़ा काम जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां भी है और हरियाणा में बनेगी, पहली कलम से ही पुरानी पेंशन बहाल करने का काम, कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है। वोट फॉर ओपीएस करते हैं। खट्टर साहब ने तो कर्मचारियों को धमकी दे दी थी कि 4 तक तुम्हारा है, 5 को देखेंगे। इस तरह नहीं, सरकार जो है कर्मचारियों से चलती है, उनको धमकाना नहीं चाहिए। इन्होंने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है, धमकाने का काम किया है। अगर इन्होंने सरकार में सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया होता तो क्या कारण है सारा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सब कुछ बदल दिया ताकि उनके कच्चे चिट्ठे सामने ना आ पाए, वो जनता को फेस नहीं कर सकते थे। आपको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले भी मैं झज्जर आई थी, एक चुनाव यात्रा जो ग्राउंड जीरो से हमने तमाम तस्वीरों को, परेशानियों को दिखाने की कोशिश उसमें की और लोगों से बात की। उस वक्त जब मैं झज्जर में पहुंची थी, पूरे हरियाणा में भी मैं गई, आप जानते हैं, लोगों का एक ही फीडबैक था कि महंगाई बहुत ज्यादा है, इसको लेकर, इसको कम करने को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी कुछ विचार करेगी कि भाई लोग वाकई में परेशान हैं, चीजें आप देखिए इतनी ज्यादा महंगी हैं कि लोग हर रोज के लिए भी उनको उनसे खर्चे करना मुश्किल हो रहा है, इस दिशा में कांग्रेस पार्टी कोई कदम उठाने जाएगी? देखिए बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे। जो महंगाई की मार झेल रहा हमारा आम जनमानस है, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम जब रोजगार के साधन बढ़ा देंगे तो उनके पास जब हाथ में पैसा आने लग जाएगा। दूसरी बात, जो कई तरह के पोर्टल GST चाहे सेंटर का विषय है, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे दाम किसान को भी मिले और लोगों को भी अच्छे ढंग से इसका रहे। हमने कहा है कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे, जितने का भी सिलेंडर है 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, ताकि महंगाई की मार जो झेल रहे हैं हमारी महिलाएं हैं या वैसे गृहणियां, उनको निजात मिल पाए। ने तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही ऐलान कर दिया 500 रुपये में हम सिलेंडर देने जा रहे हैं। अब तक क्यों नहीं दिया? अब तो सरकार जा रही है, अब घोषणाओं का क्या करेंगे? हमने तो राजस्थान में भी दिया, हम हिमाचल में भी दे रहे हैं, हम तो छत्तीसगढ़ में भी दे रहे थे। अब तक क्यों कुछ नहीं किया, आप कहाँ से जाग रहे हैं? तो महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, खाद्य पदार्थ है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम लोग अच्छी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति लगाएंगे, ताकि इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आएँ, स्वरोजगार के साधन बढ़े, बहन बेटियों को अच्छा रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा को हम लोग थोड़ा सस्ता करने का प्रयास करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की जो फीस की समस्या है उसको भी हम लोग कुछ ना कुछ उसका समाधान, समस्या है मनमानी की भी है। आप बहुत शिक्षा मंत्री रही हैं जी जी, और आप जानती हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना आज के टाइम में कितना बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। जी 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 बिल्कुल, खासतौर पर अगर गुड़गांव फरीदाबाद जैसे शहरों की हम बात कर लें तो वहाँ पर तो भूल ही जाइए, लाखों लाखों रुपए एडमिशन फर्स्ट के बच्चे के एडमिशन में भी लगते हैं। तो उस दिशा में कोई काम किया जाएगा वहाँ पे कुछ मनमानी पे प्राइवेट स्कूलों पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम प्राइवेट स्कूलों से बातचीत करने के बाद हमारा प्रयास रहेगा, चाहे फीस की बात हो, चाहे बुक्स की बात हो, चाहे यूनिफॉर्म की बात हो, हम लोग एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स को भी नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए राइट टू एजुकेशन आने के बाद इट्स द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मे बी
कि प्राइवेट एजुकेशन दें चाहे सरकारी शिक्षा दें। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट में हमने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही थी। इन्होंने परिवार पहचान पत्र की आड़ में सरकारी स्कूलों में भी फीस लेनी शुरू कर दी। इन्होंने मॉडल संस्कृति नाम रख के उसका नामांकन कर दिया और CBSE से एफिलेट कर दिए। भिवानी बोर्ड को बंद करने का प्रयास रहे। हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करेंगे। हमारा हेल्थ के मामले में भी हम पूरी तरह से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। हम सुपर स्पेशलिटी कैडर बनाने का काम करेंगे। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हम उनको स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। हम सीट्स बढ़ाने का काम करेंगे। बॉन्ड पॉलिसी पर विचार करेंगे। नीट पास जो बच्चे आ रहे हैं लाखों रुपए की फीस है उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनसे बातचीत करेंगे। हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, जो हमारी एजुकेशन हो। जैसे हमारे समय में हमने नेशनल वोकेशन एजुकेशन फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये कहा था कि जो बच्चा आगे नहीं पढ़ना चाहता उसको हम ऐसी ट्रेनिंग दें कि ताकि उसको फटाफट 10वीं 12वीं के बाद जॉब मिल जाए या लोन मिल जाए या उसका कुछ भी कार्य वो इस समय कर पाए। तो अच्छा एक वातावरण देने का प्रयास करेंगे। अच्छा वातावरण देने का प्रयास तो आप करेंगे, मुझे उम्मीद भी है और अपनी सरकार से लोग उम्मीद भी इस बात की करते हैं। लेकिन एक चीज की उम्मीद हरियाणा के लोगों को नहीं थी, गठबंधन आम आदमी पार्टी से फिर से हरियाणा कांग्रेस क्यों सोच रही थी? देखिए कांग्रेस हाईकमांड का अपना फैसला है। इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी जो है हिस्सा रही है, मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया है और जो भी ये फैसले हैं ये फैसले सारे के सारे कांग्रेस हाईकमांड के द्वारा लिए गए फैसले हैं। पर हुआ नहीं और आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतारे। देखिए जैसा भी उनको उचित लगा होगा, जो भी उन्होंने फैसला लिया होगा, तो सीट शेयरिंग फार्मूला डिसाइड नहीं हुआ। सीट शेयरिंग फार्मूले पर काफ़ी बारी बातचीत हुई है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि ये कहा गया था कि इंडिया गठबंधन जो है हमारा लोकसभा के चुनाव के लिए है। उसके बाद जो भी पार्टी का अपने कांग्रेस हाईकमांड का आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और यहाँ के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी आप लोगों का गेम कुछ खराब कर सकती है चुनाव में? नहीं, देखिए लोकतंत्र में जो है ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने एजेंडा के साथ जो है वो मैदान में उतरती हैं और मैं समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टियाँ वो मैदान में आई हैं, चाहे हमारी जहाँ तक बात है हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत सशक्त और मजबूत एजेंडा के साथ मैदान में इस समय उतर रही है। हम लोग BJP को, जैसे JJP तो पूरी तरह से समाप्त हो गई, अलोक दल भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे साथ गठबंधन में रही है, अब वो अपना चुनावी एजेंडा लेकर आए और हम लोग अपना चुनावी एजेंडा के साथ चुनाव के समर में उतरने का काम करेंगे। बीजेपी नायब सिंह सैनी साहब के नाम पर चुनावी मैदान में उतरी है और बार बार चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों को कि भाई CM का चेहरा तो बताएं। नहीं, हमारे यहाँ तो कांग्रेस हाईकमांड फैसला करती है और जहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि कांग्रेस हाईकमांड ने जैसा भी जो भी विधायक जो कहेंगे जो पार्टी का फैसला होगा। 10 साल तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किए हैं, आज हमारे CLP लीडर हैं। तो हर एरिया हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुख्यमंत्री जो हैं, और कांग्रेस ने लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा परंपरा रही है नहीं रखी है। नायब सैनी जी का चेहरा जो बताया गया है उससे भारी नुकसान भी हो रहा है उनको। अच्छा हो रहा है, क्योंकि देखिए वो लोग कह रहे हैं कि वो खुद फैसले नहीं ले पा रहे हैं, उन पर कई तरह का प्रेशर है। देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हम उनकी इज्जत करते हैं लेकिन बहुत सारे फैसले जो है उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको कार्य नहीं करने दिया जा रहा है या वो कर ही नहीं पा रहे हैं इतने मतलब वो तो आते हैं भाषण देते हैं चले जाते हैं लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। जो इस समय BJP की सरकार चल रही है एक सेशन नहीं बुला पाए, अब एक सेशन नहीं बुला पाए तो विधानसभा भंग हो जाएगी। विधानसभा जब भंग हो जाएगी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कायदे से, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान चुनाव होंगे, सब लोग बराबर तो हो ही गए जिस दिन से आचार संहिता लगी है, खुले मैदान में जाएंगे और मुद्दों की राजनीति करेंगे। हरियाणा के मुद्दों की राजनीति पर ही हम चुनाव करेंगे। विकास हमारा एजेंडा रहेगा, कोई धर्म जाति बिरादरी का नहीं, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, युवाओं के नाम पर, बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर, दलितों की सुरक्षा के नाम पर, गरीबों की सुरक्षा के नाम पर, उनके नाम पर हमारा जो है ये हमारा चुनाव रहेगा। दलितों की रक्षा सुरक्षा के नाम पर चुनाव आपके बिल्कुल बार बार ये कह रहे हैं एक दलित CM क्यों नहीं हो सकता? आई वॉन्ट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। देखिए ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो भी पार्टी का CM का फैसला है कांग्रेस पार्टी करेगी, विधायक कितने जीतते हैं, क्या हालात रहते हैं, उसी के हिसाब से जो है होगा। तो अच्छी बात है, जैसे टिकटों के लिए एक कंपटीशन रहता है, मंत्रिमंडल के लिए कंपटीशन रहता है, तो एक चीफ मिनिस्टर के लिए ठीक है कंपटीशन है, कोई ऐसी बात है। का ये कहना एक दलित CM होना चाहिए, मैं CM क्यों नहीं हो सकती, गीता बुक्कल के दिल में नहीं आता कि
हम सीएम क्यों नहीं? देखिए, हमें मालूम है दलितों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा मान सम्मान देने का काम किया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, हमारे प्रेसिडेंट माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी एक दलित है। हमारे कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष हैं जो चौधरी उदयभान जी, वो भी दलित हैं। बहन कुमारी शैलजा जी भी अध्यक्ष रहीं, वो भी दलित हैं। उससे पहले फूलचंद मुलाना जी भी रहे, वो भी दलित। अशोक तंवर जी भी रहे, वो भी दलित। तो कांग्रेस में तो दलितों को पूरा मान सम्मान हमेशा दिया है। बीजेपी ने तो दलित मंत्री का काम किया कांग्रेस। देखिए, नहीं, वो उनका कहने का तो क्या है, उन्होंने तो एक दलित महिला सिटिंग 3.5 लाख वोटों से सिरसा से हराया हुआ था जिसको, उसकी टिकट काट दी। दलितों में एक ही कैबिनेट मंत्री था, उसकी टिकट काट दी। सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी। क्या दलितों की बात करेंगे, दलितों का भला करेंगे? ऐसी कमीशन का गठन 9 साल तक हम शोर मचाते रहे, उन्होंने नहीं किया। और एससी की स्कॉलरशिप आती थी वो बंद कर दी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। तो क्राइम तो बहुत ज्यादा बढ़ा है इनके खिलाफ। तो कांग्रेस पार्टी, देखिए बात केवल दलितों की नहीं है, कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर 36 बिरादरी के मान सम्मान को करने वाली पार्टी है। जो ये गिनवा रहे हैं, तो बीजेपी दलित चेहरा क्यों नहीं पेश करती, बना दे? आज तक तो कोई एक अध्यक्ष बना था। आज रतनलाल कटारिया जी हमारे बीच में नहीं है, वो अध्यक्ष बने थे हटा दिया, केंद्र में मंत्री बने थे हटा दिया, अब उनकी वाइफ को टिकट दिया, मदद नहीं की, हरा दिया, सुनीता दुग्गल को वो हरा दिया। तो दलितों की तो हितेशी बीजेपी न थी, ना है, ना हो सकती, ना किसानों की हितेशी थी, ना कभी हो सकती। युवाओं के तो बिल्कुल ही खिलाफ है, महिला आरएसएस, देखिए मैं आरएसएस, उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस में महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं, उनका संगठन में कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो इनके तो बीजेपी का क्या कहना, हम तो कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस सशक्त है, श्रीमती सोनिया गांधी जी का बड़ा अच्छा नेतृत्व रहा यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ विद एजेंडा मैदान में जाएगी, जिस प्रकार से हमने लगातार 10 साल तक संसद से लेकर सड़क तक, विधानसभा से लेकर सड़क तक, हमारे यहाँ से मौजूदा सांसद, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो संघर्ष किया। अब ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने भूपेंद्र हुड्डा जी बिठा रहे, आप ये क्यों नहीं कहते भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, हम सब साथ ही जाके बहन बेटियों के साथ वहाँ पर संघर्ष में बैठे, किसानों के साथ जाकर हम संघर्ष में बैठे, युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ तो उन पर संघर्ष में बैठे, हमारे जो सरपंच पंच थे जब उनके अधिकार छीन लिए, सिर मुंडाते ओढ़े पड़े नहीं, उन्होंने सिर मुंडा लिए, लाठीचार्ज हुआ, हम उनके साथ संघर्ष में बैठे। जब कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ, हम उनके साथ संघर्ष में बैठे। 10 साल तक हमने हर वर्ग के साथ संघर्ष करने का काम किया। अब फाइनल रिवॉर्ड देने का प्लान कर लिया है आप ये कह रहे हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल, जनता ने मन बनाया है जैसे हम जा रहे हैं, लोगों ने मन बनाया है, वो तो बहुत खुश हैं कि महीना पहले चुनाव हो गए, कह रहे अच्छा इस सरकार से पीछा छूटेगा। आपको नहीं लगता है गीता जी कि जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बार बार, हालांकि हुड्डा साहब पे तो इस तरीके की कोई बात कही नहीं है कि मैं सीएम होना चाहिए या जो भी, हमेशा से कहते हैं पार्टी आला कमान का फैसला है, तो अभी सीएम की रेस में कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, इस डिबेट में कम से कम कांग्रेस नेताओं को नहीं पड़ना चाहिए अभी? देखिए प्रतिमा जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, कांग्रेस हाईकमांड इज द फाइनल अथॉरिटी। बीजेपी में राविंदर जी कह रहे थे कि मैं तो पहले भी सीएम बनना चाहता था, मैं अभी सीएम बनना चाहता हूँ, और खट्टर साहब को बना दिया गया, नायब सैनी जी तो पार्टी के अध्यक्ष थे, वो तो अभी भी उम्मीद में है ना, तो बीजेपी में तो हालात ही, अनिल विज जी का भी मन करता है, सभी का मन करता है, बीजेपी में तो ये नहीं भरोसा, जो सीएम बनना चाहता है उसकी टिकट भी पक्की है कि नहीं पक्की है। करनाल से नायब सैनी जी को लड़ा दिया, फिर बोले जी मुझे तो करनाल से नहीं लड़ना, इनकी आदत है एक ही जगह से लड़ते ही नहीं है, क्योंकि एंटी इनकमेंसी है, देयर इज ए टोटली एंटी इनकमेंसी इज द गवर्नमेंट। तो इसमें देखिए, जहाँ तक सीएम फेस की बात है, सबसे पहले मैं समझती हूँ हरियाणा के इस चुनावी समर में हम लोग जाएंगे, जनता से आशीर्वाद लेंगे, वोट के लिए अपील करेंगे, मैं खुद भी मेरा ये जो है जनता के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के आशीर्वाद से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से 5वां चुनाव है, और 5वीं बार कांग्रेस पार्टी ने एक विश्वास जताया है, उस विश्वास पर झज्जर की जनता के आशीर्वाद से खरा उतरने का काम करेंगे। मैं वही सोचती हूँ कि 5वां चुनाव है, 5वीं तारीख है, और 5वां हाथ का पंजा है, तो ऊपर वाला आशीर्वाद देगा, जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। तो टक्कर और यहाँ से देख रही है किसी कैंडिडेट से आप? देखिए, टक्कर हमेशा चुनाव को गंभीरता से ही लेना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, चुनाव तो चुनाव है, और चुनाव को बहुत ही मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ, हाथ जोड़ते हुए, शांति से मतदाताओं के बीच में जाकर अपना एजेंडा बताना चाहिए कि हम लोगों ने विपक्ष में भी आपकी आवाज़ को मजबूती से विधानसभा में उठाया है, सत्ता पक्ष में थे तो कितने कॉलेज, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, रेलवे लाइन, मेट्रो,
दीपेंद्र हुड्डा जी कितने सारे प्रोजेक्ट्स लेके आए, हमारी सरकार थी तो चारों तरफ विकास के कार्य थे, जैसे ही सरकार गई तो इन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो कहते हैं पर हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया, हमारे साथ तो हमारे एरिया में कोई काम नहीं करवाए। तो लोगों का मन है कि जब सरकार बनेगी और सरकार में जब हिस्सेदारी होगी तो अपने आप ही झज्जर विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से विकास के कार्य होंगे। हम अपने एजेंडा के साथ अपनी साफ नीयत के साथ जा रहे हैं कि हम आपकी आवाज़ को विधानसभा में विपक्ष में भी उठाते थे और आपके आशीर्वाद से अगर हरियाणा में सरकार बनती है जनता के आशीर्वाद से अपने एरिया को झज्जर विधानसभा क्षेत्र को एक नंबर का विधानसभा क्षेत्र बना देखिए ऐसा है लोग तो कोई संशय है क्या? नहीं संशय नहीं, जनता महान है लोकतंत्र में, लोगों ने मन बनाया है लोकतंत्र के इस पर्व पे। मैं समझती हूँ मैक्सिमम वोटिंग होगी, मैक्सिमम जब वोटिंग होगी तो लोगों का पूरी तरह से मन बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, बीजेपी की जा रही है। तो ये चर्चा जो हमारी रही इस चुनावी स्टूडियो से, ये भावी कैबिनेट मंत्री से रही? देखिए मैं तो एक छोटी सी कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, चुनाव में हम लोग गए, पार्टी की हमने सेवा करने का काम किया। मैं कांग्रेस आला कमान का, हमारे नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे पांचवी बार टिकट देने का काम किया है। पार्टी का फैसला है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से झज्जर विधानसभा क्षेत्र से अच्छे से विधायक बनकर जाएं, कांग्रेस हाई कमांड की झोली में जाकर ये सीट देने का काम करें। कांग्रेस पार्टी का हमारा हाई कमांड, उनका ये फैसला है। किसको आपको टिकट मिली, चर्चा है तो सीधा यही है कि बस अब तो कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा गीता मुखर्जी। देखिए लोगों की उम्मीदें होती हैं, हर व्यक्ति की आशा और उम्मीद होती है। मैं समझती हूँ झज्जर की महान जनता यहाँ से भारी मतों से ये सीट जिताकर श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के झोली में डाले और फिर कांग्रेस पार्टी का खुद का फैसला रहेगा वो क्या जिम्मेवारी देते हैं उसी उसको। अच्छा तैयार है सारी जिम्मेदारियों में? देखिए तैयार, कोई जिम्मेवारी मिल जाए उसको भी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि पहले भी एक मंत्री के रूप में सेवा करने का काम किया है, फिर विपक्ष में भी अच्छे से मेहनत करने का काम किया है, अब झज्जर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें युवा साथियों के आशीर्वाद से उम्मीद करती हूँ यहाँ से थंपिंग मेजोरिटी के साथ वो जिताएंगे, फिर जो कांग्रेस पार्टी हाई कमांड का जो आशीर्वाद होगा उसको निभाने का काम करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया गीता जी हमारे साथ इस चुनावी स्टूडियो में जुड़ने के लिए, हमारी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रतिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है तपती इस गर्मी में आते हैं चुनाव हरियाणा का जिसमें आप देखते हैं चौधरी भूपेंद्र और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपकी ये चुनावी यात्रा चल रही है, ये चुनावी यात्रा हमें माहौल लग रहा है कि कांग्रेस को भी पूरी तरह से जीत की ओर लेकर जाएगी। आप विशेष तौर से इतने तपते माहौल में और इतना अच्छा स्टूडियो लेकर हमारे बीच में आए और आपने हमसे बातचीत की, प्रतिमा जी आपका भी मैं दिल की गहराइयों से और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हरियाणा न्यूज का भी बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद जी, थैंक्स अ लॉट जी, धन्यवाद आपका भी बहुत शुक्रिया। आप इतनी तैयारी के साथ यहाँ बैठे हैं और इतने जोश के साथ गीता बुक्कल जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, देखते हैं कि आपकी मेहनत कितना रंग लाती है और 8 अक्टूबर को नतीजे क्या रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आपने ये बातचीत सुनी, हमारे चुनावी स्टूडियो से गीता बुक्कल जी तैयार हैं और साफ तौर पर ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों के दिल में जो एक जगह आज की तारीख में है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी की 10 साल की जो सरकार थी उसे तो तमाम परेशानियां देखने को मिली, जो काम नहीं हुए, जिन तमाम परेशानियों को देखने के बाद समझने के बावजूद भी उन पे एक्शन लेने का बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया और ये तमाम नाराजगियाँ उसको लेकर हैं। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि ग्राउंड से हर आवाज़ को उठाया, हर परेशानी को हल करने का लोगों को आश्वासन दिया और आज तमाम जो परेशानियां युवा महिलाएं बुजुर्ग क्राइम को लेकर जितनी समस्याएं हैं, अलग अलग वर्गों को जो भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं उसको झेल रहे हैं, वो सबसे निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। चुनाव है, हल्के में चुनाव लेना नहीं चाहिए, इसीलिए पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है, लेकिन दिल में इस बात का आश्वासन भी है, दिल में इस बात का विश्वास भी है कि जीत कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगी, झज्जर से थंपिंग मेजोरिटी के साथ गीता जी विधानसभा पहुंचेंगी। तो आप कितना आशीर्वाद देते हैं आपके ऊपर है, फिलहाल हमारे चुनावी स्टूडियो से इसका
कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज पे ये खास कार्यक्रम चुनाव हरियाणा का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।